Hello friends, how are you doing? Welcome back to my channel again. Wanderer Jinkya, thank you. I hope all are you doing absolutely fine in your life. So, आज आपने टाइटल तो पढ़ लिया है, मैं जा रहा हूँ एक फूडी व्लॉग बनाने. वाशी में एक आउटलेट है, तो आप लोग अभी तक मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया. मेरे साथ रहने वाले और मेरे साथ तीन जन रहने वाले डोबड़े ब्रदर एंड सिस्टर्स. सो विकास डोबड़े, दर्शना डोबड़े और मेघना डोबड़े, ये लोग के साथ मैं लंच करने जा रहा हूँ. बुफे प्लान किया है, तो लेट्स सी बुफे या तो फिर कौन सा नॉर्मल रहेगा, अभी तक डिसाइड नहीं किया. चलो गाइस, सो यस गाइस, मैं निकला हूँ अभी घर से. ये देखो सामने से आ रहा है, देखो कैसे साइड में भी दे रहा नहीं लोग ऐसे है ना. मैं ऑलरेडी साइड से चला रहा था, सामने से एकदम एटीट्यूड में आ रहा था. मैंने साइड में लिया ही नहीं, क्यों लूँ मैं और साइड, ठोक देता था मैं गाड़ी को, जाना ही नहीं है भाई. इधर दादागिरी बहुत करते हैं यार, क्या करें अभी. सो बाय द वे, यस, लिमिटेड एडिशन न्यू लुक ऑफ वांडरर अजिंक्य. ये सिर्फ एक या दो व्लॉग में ही रहने वाला है ये लुक. सो समथिंग आई ट्राइड डिफरेंट. तो मैं आपको एक क्विज देता हूँ कि क्या मैंने ये बियर्ड घर पे किया है या सलोन में जाके किया है. तो ए होममेड, बी सलोन. सो बेसिकली सिर्फ दो तीन व्लॉग के लिए रखने वाला हूँ, बाद में सब उड़ने वाले हैं, क्लीन शेव. तो बियर्ड सूट कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो दैट, बट नो शेव नवंबर मैंने किया था, पूरा हो चुका है नो शेव नवंबर. सो अभी मैं जा रहा हूँ वाशी. और दोस्तों प्लीज कमेंट ऑन दिस, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर एक्सेप्टेड. लाइक मेरे को सजेशन चाहिए ये बियर्ड रखू या निकाल दू. लाइक इट फील्स रियली राउडी, मैं एग्रेसिव लुक दूंगा तो काफी थोड़ा सूट करता है, बट एग्रेसिव व्लॉगिंग के लिए तो अच्छा नहीं है. सो थोड़ा बहुत स्माइली फेस के लिए सूट कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो दैट, मैंने थोड़ा बहुत डिजाइन कर दिया था. सो यस, आपका कमेंट जरूरी है इसके लिए. बाय द वे, मैं ये जो GoPro यूज कर रहा हूँ अभी, वेरी सून विद इन नेक्स्ट 10 और 15 व्लॉग्स के अंदर मैं नया कैमरा भी खरीदने वाला हूँ, तो अपने व्लॉग्स अपग्रेड होने वाले नेक्स्ट लेवल. सो दिस इज द 40th व्लॉग बाय द वे. सो आई होप 51st व्लॉग आफ्टर 10 मोर व्लॉग्स मेरा नया कैमरा आ चुका रहेगा मेरे हाथों में. सो ये जो दोस्त लोग हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं, मेरे अच्छे खासे दोस्त है जो नवी मुंबई में रहते हैं, हम लोग एक नवी मुंबई का फूडी व्लॉग बनाने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं, एक साथ मिल के लंच या डिनर कुछ करने का. और मैंने उनको पूछा कि मैं व्लॉग करूँ आपको चलेगा या नहीं, तो किसी किसी को रहता है ना कि नहीं यार मेरा व्लॉग मत करो, पब्लिक मत करो, मेरा डिस्प्ले में मत डालो, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रहता है किसी का, तो इसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है सबको. पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ. मोस्टली तो अब तक किसी का ऐसे हुआ नहीं है. आई एम वेरी रियली वेरी वेरी हैप्पी और मेरा टारगेट के नज़दीक आया हूँ मैं, लाइक 50 व्लॉग्स इन 2020. तो बस दोस्तों आज 7 तारीख है, 7th of December, और मेरे पास 24 डेज है जस्ट 10 व्लॉग्स बनाने के लिए. सो आई विल डू इट, व्हाट यू से गाइस. और आज तक आपको ये व्लॉग्स कैसे लगा बाय द वे. मैं थोड़ा बहुत समटाइम्स लाइफस्टाइल के ऊपर भी डालता हूँ, ट्रैवलिंग के ऊपर ज़्यादा रहेगा, लाइक 75% मेरा ट्रैवलिंग वीडियोज रहेगा, अदर देन दैट 25% मेरा होपफुली क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स रहेगा, जैसे कि शॉपिंग, फूड इन्फॉर्मेशन, ऐसे कुछ रहेगा, ऑटोमोबाइल्स, राइडिंग गियर्स, कैमराज, गैजेट्स एंड ऑल उसके ऊपर. सो रिव्यूज़ मैं थोड़ा ही दूंगा, मैं इतना अच्छा प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ अभी तक रिव्यूज़ देने में. तो यस, आज मैंने गाड़ी निकाला, सोचा गाड़ी पड़े पड़े, एक्चुअली नवंबर में फुल टैंक किया था, आप देख सकते हो कि हाफ टैंक ही ख़त्म हुआ है. सो हाफ टैंक ही ख़त्म हुआ है पूरे एक महीने में, तो मैंने बाइक ज़्यादा चलाया नवंबर में, ये हाफ टैंक मुझे 15 दिसंबर तक ख़त्म करना है. टैंक में पड़े पड़े मुझे डीजल पेट्रोल वेस्ट करना पसंद नहीं है, वो थोड़ा इंजन के लिए, वो मटेरियली मतलब जो फ्यूल का कंटेंट रहे अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो लाइक मैं जल्द से जल्द ये फिनिश करना पसंद करता हूँ, कार्बन वगैरह फैल जाता है फिर ज़्यादा मुसीबत आ जाती है. तो जितना अच्छा गाड़ी को मेंटेन रखो, अभी 2.25 लाख किलोमीटर चली है मेरी एक्सेंट. तो चलो गाइज, टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट आपको बताते हैं
लजीज डिशेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आए बिरिस्ता। ये पाम बीच रोड पे है, नवी मुंबई में, सेक्टर 15, एग्जैक्ट अपोजिट टू डीमार्ट। डीमार्ट के एग्जैक्ट अपोजिट ये बिरिस्ता है। हम लोग को अभी एक्चुअली संडे है तो थोड़ा बहुत क्राउड है अंदर, वेटिंग है। वेटिंग ऐसा है क्योंकि अंदर लिमिटेड प्लेस ऑन है अभी, और हम लोग ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है फ़ोन पे, तो वी डोंट हैव टू वेट अलॉट। जैसे हम लोग को प्लेस मिलेगा, हम लोग के सामने फूड रेडी रहेगा। बाय द वे, मेरे साथ है ये विकास, दर्शना, मेघना। विकास, मेघना, दर्शना, सो एक टेबल खाली हो गया, अपने को टाइम मिलेगा अभी। तो चलो गाइज, डायरेक्ट दिखाते आपको डिशेस। नॉन वेज रहेगा, वेजिटेरियन स्टे अवे। बेसिकली ये एकदम छोटा आउटलेट है, लाइक एक गाला है दर से, बट इसका यहाँ का जो फूड है, प्रिपरेशन जो है, अमेजिंग है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, लाइक मोर देन 4 times। सबसे ज़्यादा यही बंदे के साथ आया, और मैं इसको ही बोलता हूँ कि जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर, मेरे को ऑर्डर करने का दिया ना ऑर्डर, ऑर्डर के लिए अच्छा एक्स्ट्रा। ये अब मटका बिरयानी का है, कौन सा बिरयानी है इसमें? मुर्ग नवाबी बिरयानी, ऐसा प्रिपरेशन रहता है। सो ये रहा, उधर 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 ये एक पोर्शन है जिसमें 4 लोग आराम से खा सकते हैं। 4 लोग खा सकते हैं ना इसमें? 4 नहीं तो विकास जैसे तो अकेला भी खा सकते हैं वैसे, बाय द वे। बट अच्छा, विकास अकेला ऐसा 2 खा सकता है। साइज दिख रहा है ना लोगों? हाँ बस बस बस, ये था हमारा पूरा लंच, निज़ामी मुर्ग और शीख कबाब, लच्छा पराठा विद चटपटा चिकन और चिकन कीमा, उसके बाद नवाबी बिरयानी और तंदूरी चाइनीज। क्या था तंदूरी? हाँ, तंदूरी चिकन चाइनीज स्टाइल में था वो। इतने में हमारा पेट भर गया 4 लोगों में, अभी देखना है बिल कितना आता है। तो सॉरी वेजिटेरियंस, आज का भी व्लॉग नॉन वेज में ही हुआ। सो गाइज, अपना काम नहीं, ये अजून जायते है ना अपने डेजर्ट। अभी मेन कोर्स खाना हो गया, लंच हो गया, 4 बज गए और बहुत मस्ती किया। लाइक अभी हम लोग निकल रहे हैं नेचुरल्स में, आइसक्रीम खाएंगे। बॉम्बे बर्गर भी है बाजू में, बाय द वे, बिरिस्ता के बाजू में बॉम्बे बर्गर से। निमंत्रण बार एंड रेस्टोरेंट बंद हो गया टोटली, आई गेस शाम को खोल सकते हैं, अभी तो फिलहाल बंद है। तो बिरिस्ता, ए बिरिस्ता का रेटिंग बताओ, क्या कौन कौन सा डिशेस निजामी, कौन सा मस्त लगा? चटपटा, चटपटा 5 out of 5, चटपटा 5 out of 5, यानी दूसरा बिरयानी 3 बिरयानी 4 बिरयानी अच्छा था। नहीं वो पराठा वाज गुड, पराठा 3 मेरे ख्याल से। और क्या बाकी है, और क्या था? निजामी चाइनीज तंदूरी, तंदूरी चिकन चाइनीज स्टाइल यार। अच्छा, डर डर के खाया ना, मतलब इसमें कोरोना है, चाइना से आया इसके लिए। चलो मैं 2.5 ओके था। चलो बिरयानी वगैरह सब मस्त है, पेट फुल हो गया। बाय द वे, बिल हो गया 2415 फॉर 4 people, तो हम लोग का हार्डली 604 rupees पर पर्सन हो गया। तो हम लोग थोड़ा अभी वॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़े बंद है, अपन 4 जन है, साला का बिजनेस चालू करो। चलो गाइस, हम लोग आए नेचुरल्स, कौन सा अंदर जाने के पहले डिसाइड करो कौन सा चाहिए, बोल। कॉफी वाले, मैं सीताफल, चोको क्रीम, चोको क्रीम, सीताफल, कॉफी वॉलनट। अभी ये फर्स्ट राउंड है, पता नहीं और कितना राउंड रहेगा, हम लोग कैप्चर करेंगे। सो दोस्तों, हमारा मंचिंग अभी भी कंटिन्यू है। सोचा था डेजर्ट ख़त्म करेंगे, डेजर्ट करने के बाद आई मीन टू से नेचुरल्स आइसक्रीम के बाद हम लोग ब्लॉग एंड करेंगे, बट ये ब्लॉग छोटा सा, हल्का सा, थोड़ा लेंदी होने वाला है, जस्ट बिकॉज वी हैव
एंटर्ड इन सेलर्स कैफे. तो सेलर्स कैफे हम लोग इसके लिए आए कि थोड़ा बहुत कोल्ड कॉफ़ी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था. तो हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये दोनों अभी भी है साथ में. इन लोग के साथ रहना मतलब मेरा डाइट कंट्रोल होने ही वाला नहीं है. स्पेशली दैट बाहर बंदा दिख रहा है राउंड मार, वो अनलिमिटेड है, वो तो पूरा अनलिमिटेड है कसम से. उसको ही कोल्ड कॉफ़ी पीना है और वही बाहर बैठ रहा है. चलो, यहाँ पे जो ऑर्डर करेंगे आपको बताएंगे ज़रूर, आपको नाराज़ नहीं करेंगे. फिलहाल मैंने भी नहीं दिया यार. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी स्कैनिंग मशीन है, स्कैनर है, जो QR कोड स्कैन करने के बाद हम लोग ये ओपन करेंगे. एंड दिस वे इट लुक्स. मेनू क्या है? इंस्टाग्राम टच फ्री मेनू. ओके, दिस इज द वे. सो इस तरह से ये लाइक स्कैन, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी द नवाब्स में मैंने किया था उसी तरह. तो जस्ट लाइक स्कैन करके आपको मेनू आपके फ़ोन में दिख जाएगा, जस्ट लाइक दिस वे. काफ़ी वाइड स्प्रेड मेनू है यार इन लोगों का. हैपनिंग काफ़ी लंदी है, बहुत सारे वैराइटीज़ है यहाँ पे, क्वाइट इम्प्रेसिव. फिलहाल तो जस्ट कॉफ़ी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टफ अ लॉट स्टफ एक्चुअली. नॉन वेज चिकन पे चिकन, चिकन पे चिकन, विदाउट अ ब्रेक. या लुक एट दिस गाय रीडिंग बुक्स. भाई रीड करेगा ना तू, तेरा पतला हो जाएगा तू ब्रेन. हाँ, तो तेरे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होगा. सो गाइज, हम लोग ने कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, और ये मेरा स्पेशल चॉकलेट हर्शेस सिरप एड ऑन है इसमें. हाँ, ये वाला जो है ना, ये कोई ड्रिंक नहीं है, ये सैनिटाइजर है. बाय द वे, हटाओ रे वो सैनिटाइजर को. तो क्या ऑर्डर ना गिलस? नहीं, जस्ट दिस 1/2. वाह, इसका रिएक्शन देखते हैं. सो गाइज, ये जो दोस्त है विकास, इसको कॉफ़ी इतना पसंद आता है, ही इज डैम क्रेजी अबाउट कॉफ़ी. सो लेट्स सी व्हाट्स हिज रिव्यू, फर्स्ट इम्प्रेशन. ठीक है, मीन्स 4 out of 5, 3 out of 5, 3 out of 5, एवरेज है. ठीक, अच्छा स्ट्रॉन्ग बोला था ना बटन को. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तू बक तू जोर का, मेरा टेस्ट करता. चलो, चॉकलेट चॉकलेट मुझे तो अच्छा लगा. चॉकलेट तुम लोग ऐड करना चाहिए था मुझे. नहीं, मुझे चॉकलेट अच्छा नहीं. ओके, मेरे लिए 4 out of 5. सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक बार लुट गए हैं. एक कॉफ़ी हम लोग को 200 रुपए की पड़ी है, 200 पर, इंक्लूडिंग आइसक्रीम एंड कॉफ़ी 266 पर हेड. या विच इज़ रियली वेरी बैड यार. मुझे उल्टा नेचुरल आइसक्रीम सस्ता है ना, 60 rupees इज़ फाइन. एक्चुअली अपन मैग्नम लेते हैं बाहर दुकान में से, वो दैट इज़ लाइक 120, 130, 90 है ना, 100 के नीचे तो नहीं है ना वो. 130 rupees नेचुरल इज नेचुरल यार, नो वन कैन बीट नेचुरल. जैसे कि मैंने एक व्लॉग बनाया था सैमी सोसा वाला, उसमें मैंने एंड में मैंने घर पे जाके कॉफ़ी बनाया था, लाइक मिल्क शेक बनाया था, एक चॉकलेट मिल्क शेक. तो वो फार बेटर देन दिस एक्चुअली. विकास ने अपना रेटिंग चेंज कर दिया, रेटिंग ओनली वन 1 out of 5. Yeah, only one. So forget it. Like it was not so worth. ठीक था, चॉकलेट के बाद वो अच्छा लग रहा था, बट मेरा भी रेटिंग में चेंज करता हूँ, मैं 3 out of 5 देता हूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम लोग इतना एम्बियंस में बैठे, वो सब भी काउंट किया जाता है, मैटर करता है. वहाँ पे एक और अच्छा बात ये था कि बुक्स हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं वहाँ पे. लाइक आपका ओल्ड बुक है, पढ़ के हो गया है, तो यू कैन कीप दैट बुक ओवर देयर एंड यू कैन पिक अप अनदर बुक टू रीड. वैसे वो काफ़ी अच्छा था, वो हैपनिंग कैफ़े, जैसा कैफ़े का कल्चर रहता है वैसा वो लग रहा था. एम्बियंस वॉज गुड, गेम्स थे काफ़ी अच्छे, गेम्स हैंग चिल करने के लिए दोस्तों के साथ वहाँ पे कर सकते. सो एनीवेज गाइज, इसी तरह मैं यहाँ पे ही अपना व्लॉग एंड कर देता हूँ आज का. सो काफ़ी कुछ कंटेंट हो गया, डेजर्ट्स, मेन कोर्स, थोड़ा बहुत ड्राइव, और मेरा लिमिटेड एडिशन लुक जो कि बियर्ड का आपने देख लिया. तो कमेंट कर सकते. So thank you for watching guys, stay safe, stay tuned, stay healthy, stay fit. फिलहाल मैं अलविदा कहता हूँ, शीघ्र मुलाकात होगी, take care, bye bye.